हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स थ्योरी। और इसके मेन पॉइंट्स हम लोग सीखेंगे कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोग क्या एक्सप्लेन करते हैं। चलिए देखें मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, इससे पहले हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के नेचर को बताया गया था डायमैग्नेटिक। लेकिन मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी इसे एक्सप्लेन करती है और वो बताती है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो पैरामैग्नेटिक है। तो ऐसा क्यों है, इसके मैग्नेटिक बिहेवियर में इतना डिफरेंस क्यों है, इसी को हम लोग सीखेंगे मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में। देखिए हम लोग क्या करते हैं, मेन मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी बनती कैसे है, तो इसके कुछ हम लोग मेन फीचर्स देखेंगे। मेन फीचर्स क्या है, आप समझिएगा मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनते कैसे हैं। जब कभी दो एटम कंबाइन करे, दो एटम कंबाइन करेगा तो उसमें कौन कंबाइन करता है, एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या कंबाइन करता है, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो लगभग सेम होनी चाहिए। दूसरी बात, जो भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हो उनमें एक प्रॉपर सिमेट्री होनी चाहिए। एक प्रॉपर सिमेट्री और सेम एनर्जी का होना जरूरी है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू ईच अदर हैविंग सेम एनर्जी, हैविंग सेम एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेम एनर्जी और प्रॉपर सिमेट्री होनी चाहिए। तो अगर हम लोग इसको देखें कि क्या है कैसे है, तो यहां पर अगर हम देखें कि ये हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम में ऑर्बिटल कौन सा होता है, 1s, यही लिख देते हैं। देखिए हाइड्रोजन एटम और इसमें ऑर्बिटल क्या होगा, 1s। अब हमें पता है कि जब दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन करता है तो एक हाइड्रोजन एटम, ये यहां पर भी एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, 1s। तो 1s 1s की एनर्जी क्या है, सेम है, और इनके सिमेट्री क्या भी है, सेम है भाई। तो यहां से जो बनेगा वो बनेगा क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और भी समझेंगे इसके कॉन्सेप्ट नेक्स्ट पॉइंट में। अब हमें यह समझना होगा कि कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल फिर कंबाइन नहीं करते, क्या पॉसिबिलिटी है कि वो नहीं कंबाइन करेंगे। तो अगर हम यहीं पर दूसरा पॉइंट देखें कि क्या 1s का ऑर्बिटल और 2s का ऑर्बिटल कंबाइन करेगा क्या, तो यहां पर कंबाइन नहीं करेगा। रीजन क्या होगा, ड्यू टू डिफरेंस एनर्जी। यहां पर एनर्जी 1s की कम है और यह तो दूसरे सेल का ऑर्बिटल है, तो एनर्जी डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा है, इसलिए ये कंबाइन नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें कि क्या पीजेड और पीएक्स कंबाइन करेगा, तो पीजेड की एक्सिस अलग है और पीएक्स की एक्सिस अलग है, तो वो भी कंबाइन नहीं करेंगे। पीजेड और पीएक्स आपस में कंबाइन नहीं करेंगे। रीजन क्या होगा, प्रॉपर सिमेट्री नहीं है। कौन कंबाइन कर सकता है, तो पीजेड पीजेड कंबाइन कर सकता है, पीएक्स पीएक्स कंबाइन कर सकता है, पीवाई पीवाई कंबाइन कर सकता है, और सेम एनर्जी लेवल का होना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर आपने लिया 2pz तो ये 2pz से ही कंबाइन करेगा, क्यों, सिमेट्री भी सेम है और एनर्जी भी सेम है। ऐसे आपने देखा 2px तो 2px के साथ कंबाइन करेगा, ऐसे 2py देखा तो ये किसके साथ कंबाइन करेगा, 2py के साथ, क्योंकि आप मॉलिक्यूल बनाने जा रहे हो तो ये अलग एटम का होगा और ये अलग एटम का होगा, तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसे ये अलग एटम का है और ये अलग एटम का है, तो जो बनेगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सेम कॉन्सेप्ट। एक बात आपको यहां समझनी होगी, जब हम लोग पी को देखते हैं तो पी के केस में आप देखते हो तीन ऑर्बिटल, तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल जब सिग्मा बनाएगा तो बाकी के दोनों क्या बनाएंगे, पाई। तो सिग्मा जो पीजेड है, यहां पीजेड है, ये एनसीईआरटी में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया गया है, तो ये बनाएगा सिग्मा बॉन्ड और ये बनाएंगे पाई बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका।
तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आए पॉइंट नंबर सेकंड, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म। जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आप लेंगे उतना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। जैसे यहीं पर एग्जांपल समझ लें, अगर आपने यहीं हाइड्रोजन एटम लिया है और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम लिया, तो इसका ऑर्बिटल 1s है और इसका ऑर्बिटल क्या है 1s है। तो ऐसे केस में आपने एटॉमिक ऑर्बिटल लिया है दो, 1s और 1s, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितना बनेगा दो। तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बनता है तो यहां पर बात आती है भाई वो दो कौन कौन से हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा कितना, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल आपने ले लिया दो। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो कौन कौन से हैं, तो एक होता है हाई एनर्जी का जिसे हम लोग बोलते हैं एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरा क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब दो ऑर्बिटल देखिए, यहां पर एटम के दो ऑर्बिटल हैं, तो ऐसे सेम हम लोग मॉलिक्यूल के दो ऑर्बिटल लिखेंगे। इनका नोटेशन क्या होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, हम लोग एटॉमिक में तो पढ़ते आए हैं कि 1s है, 2s है, 3s, इस तरह से एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन जब करते थे किसी एटम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इस तरह लिखते थे। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में जो रिप्रेजेंटेशन है वो बॉन्डिंग के लिए सिग्मा, पाई और डेल्टा यूज करते हैं। यहां जो यूज करते हैं वो सिग्मा स्टार, पाई स्टार और डेल्टा स्टार यूज करते हैं। तो दो आपने लिया था 1s 1s, तो खुद समझ सकते हैं अब क्या आ जाएगा यहां पर। अगर हम लोग यहां देखते हैं तो बॉन्डिंग के लिए क्या आ जाता, सिग्मा 1s, और एक बार और लिखते तो वो कौन सा हो जाता, हाई एनर्जी का स्टार सिग्मा 1s। तो देखिए दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमने लिख दिया, एक कौन सा सिग्मा 1s और दूसरा स्टार सिग्मा 1s, क्योंकि हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम का लिखते थे तो सिंपल कैसे लिखते थे, 1s 2s 3s, इस तरीके से। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बस यहां सिग्मा नोटेशन और आ जाता है, पाई नोटेशन और आ जाता है, और उसी को दो बार लिख देते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका। अगर मान लीजिए आपने यहां पर बोरान एटम ले लिया होता, तो बोरान एटम को आप देखिए यहां पर दो एटम अगर कंबाइन करें, चलिए बेरिलियम ले लेते हैं, तो यहां क्या आता है कॉन्फ़िगरेशन ऐसे देखिए 1s2 2s2, एटॉमिक ऑर्बिटल कितने मिल रहे हैं आपको दो, तो ऐसे दूसरा बेरिलियम एटम आएगा तभी तो कंबाइन करेगा, तो 1s2 2s2, तो टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल आपको कितने मिल रहे हैं, दो यहां और दो यहां, तो टोटल कंबाइन कितने करेंगे 4। जब 4 कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितना बनेगा भाई 4। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 4 बन रहा है तो हमें सीखना पड़ेगा कि किसके लिए क्या लिखें। तो देखिए आपने 1s लिया है तो 1s 1s पहले कंबाइन करेगा, तो एक बार क्या बनेगा सिग्मा 1s, और फिर देखिए हाई एनर्जी का बन जाएगा, देखिए तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे दूसरी बार, क्योंकि 1s 1s कंबाइन कर रहा है, तो एक बार लिखा सिग्मा 1s और दूसरी बार क्या लिखेंगे स्टार सिग्मा 1s। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी बॉन्डिंग से ज्यादा होती है। अब ये खत्म हो गया, अब इस वाले को देखो तो 2s का लिखेंगे, तो फिर से आपको इसके लिए लिख चुके, इसके लिए क्या करेंगे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो यहां सिग्मा 2s और फिर क्या लिखेंगे स्टार सिग्मा 2s। तो ऐसे जितने भी एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेंगे सेम नंबर के हम लोग क्या बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी देखेंगे पूरा एनर्जी डायग्राम बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जब कभी हम लोग एटम का इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता है, और सिर्फ एक न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसलिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है
बहुत ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन आता है ये। एटॉमिक ऑर्बिटल को हम लोग बोलते हैं मोनोसेंट्रिक। क्या बोलते हैं? मोनोसेंट्रिक। लेकिन जब दो ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा है, दो ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, तो इस तरह मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहां ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये, तो इस जगह जब ओवरलैप करेगा तो अब इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की तरफ भी अट्रैक्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की तरफ भी अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन कितने न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करेगा ये डिपेंड करेगा कि उस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम कितने हैं। तो इसलिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो कैसा होगा भाई? पॉलीसेंट्रिक। कैसा? पॉलीसेंट्रिक, क्योंकि मोर देन वन न्यूक्लियाई उसे अट्रैक्ट कर रही है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा पॉलीसेंट्रिक मॉलिक्यूलर। अब आपने देखा होगा, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बताएं तो कहीं पर भी एटॉमिक ऑर्बिटल की जब बात करते थे तो एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन दो भी हो सकता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या क्या चीजें हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक भी हो सकता है, वैकेंट भी हो सकता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? दो। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि एनर्जी डायग्राम क्या है, कैसे ये कंबाइन कर रहा है। तो जरा एनर्जी डायग्राम देखेंगे। दो केस है, एक हम बनाते हैं, दूसरा आप खुद ही समझ जाएंगे। मोर देन 14 का केस होता है, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन, जैसे हम लोग ले लें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और फ्लोरीन मॉलिक्यूल। देखिए क्या खास बात है, ऑक्सीजन दो एटम कंबाइन करेगा भाई, दो एटम कंबाइन करेगा। तो आप कॉन्फ़िगरेशन देख लो ना, क्या करेंगे 1s 2s 2p फिल कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन कितना होता है ऑक्सीजन में? एक, तो 1s2 2s2 2p 4। यहां पर भी तो वही होगा, 1s2 2s2 2p 4। अब आप देखो ध्यान से, एटॉमिक ऑर्बिटल काउंट करो कितने हैं। एक एटॉमिक ऑर्बिटल 1s, s में एक ही तो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, तो 1s एक, 2s में एटॉमिक ऑर्बिटल एक, p में एटॉमिक ऑर्बिटल कितने होते हैं? तीन। तो टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल यहां पर एक, दो और तीन यहां पर, तो टोटल हो गए कितने? 5। और यहां भी कितना होगा? 5। तो 5 एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन कर रहा है तो टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितना बन जाएगा? 10। ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल हम लिखते जाएंगे, फ्लोरीन लिखेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसके आगे एटॉमिक ऑर्बिटल आ जाएगा। तो देखिए क्या करना है, हमें उसी एटॉमिक ऑर्बिटल के डायग्राम को बना के हम दिखा रहे हैं आपको। मोर देन 14 का केस जब हम लोग जान रहे हैं, मान लीजिए एटॉमिक ऑर्बिटल आपने लिया है 1s, ये 1s है, ये 1s है, तो भैया यहां पर दो बनेंगे क्योंकि दो एटॉमिक ऑर्बिटल ले रहे हैं। ये एनर्जी का एक्सिस देख लीजिए, तो दो बनेंगे तो कौन कौन सा? एक बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होगी? ज्यादा, और बॉन्डिंग की एनर्जी कम। तो देखिए यहां पर एक ऑर्बिटल बन गया। अब बॉन्डिंग हम इसको बोल रहे हैं तो इसके लिए क्या लिखेंगे? 1s 1s कंबाइन कर रहा है तो लिख दो भाई सिग्मा 1s। जब ये ऊपर की तरफ हम लोग चलेंगे, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग भी दिखाना है, तो एंटी बॉन्डिंग के केस में देखिए क्या हो जाएगा। अब ये हाई एनर्जी का हो गया ABMO, तो यहां क्या बताएंगे? स्टार सिग्मा 1s। 1s से बंद है एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल 1s 1s कंबाइन किया, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, स्टार सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। अब 1s के बाद एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या आता है भाई? 2s आता है, तो 2s लिख लिया हमने। देखिए तो एटॉमिक ऑर्बिटल दिखा रहे हैं ये, देखिए, और ये लिख दिया 2s और ये लिख दिया 2s।
अब फिर से 2s का एक क्या होगा, लो एनर्जी का, तो लो एनर्जी वाला क्या होगा बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग के लिए हम लोग क्या लिखेंगे सिग्मा 2s, ये BMO है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और एक बनेगा हायर एनर्जी का, तो जो हायर एनर्जी का होगा उसे क्या कहेंगे ABMO, तो ये क्या बताएंगे स्टार सिग्मा 2s। ऑर्बिटल एक ही है तो जब एक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा तो सिग्मा ही बनाएगा, जब ऑर्बिटल एक से ज्यादा होते हैं तब सिग्मा पाई का कंसेप्ट देखते हैं, तो 1s और 2s के केस में पाई वाली कंडीशन है नहीं। जब हम लोग पी पे पहुंच रहे हैं तो अब पी में ऑर्बिटल कितने भाई, तीन, पी में आपके पास ऑर्बिटल आ गए तीन, कौन कौन सा 2px 2py और 2pz, ऐसे यहां देखेंगे 2px 2py और 2pz। देखिए कैसे ओवरलैप करेंगे, जो फर्स्ट ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा वो सिग्मा बनाएगा, जरूरी नहीं है कि इसमें पीजेड ही बनाए, लेकिन एनसीईआरटी में हर जगह पीजेड को ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं, इसलिए हम लोग भी किसको लेके चलेंगे पीजेड को। तो तीन है तो तीन बॉन्डिंग बनेगा, अब सिग्मा 2pz स्ट्रांग बॉन्ड होता है तो उसकी एनर्जी क्या होगी कम, तो सिग्मा 2pz को हम लोग ले जाएंगे नीचे, क्योंकि बॉन्ड कैसा है वो स्ट्रांग, तो ये आ गया सिग्मा 2pz। इसके बाद जो बनेगा वो बनेगा पाई, और पाई जब बनेगा तो दोनों पाई बॉन्ड की एनर्जी क्या होगी सेम होगी, तो ये जो बन रहा है ये बन गया पाई 2px और पाई 2py सेम। अब यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे एंटी बॉन्डिंग वाले, तो एंटी बॉन्डिंग में देखिए ये आ रहा है ABMO, तो ABMO में हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे स्टार पाई 2px और स्टार पाई 2py। एक और बच गया क्या लिखेंगे लास्ट में सिग्मा 2pz, और ये कौन सा है एंटी बॉन्डिंग वाला, तो क्या आ जाएगा स्टार सिग्मा 2pz। ये जो आ रहा है ये मोर देन 14 का केस, इन सभी केस में तीनों रूल एप्लीकेबल होंगे, कौन कौन सा अपाउ रूल, होल्स रूल और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम में करते थे सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन यहां पर भी होगा, तो जरा हम उसी फॉर्म में लिख देते हैं जैसा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या आया सिग्मा 1s, फिर क्या आएगा स्टार सिग्मा 1s, इसके बाद क्या आएगा सिग्मा 2s, ये देखिए नीचे वाला है एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, ये कौन बताता है अबाउट, तो सिग्मा 2s, इसके बाद क्या लिखेंगे स्टार सिग्मा 2s, देख लीजिए फिर एनर्जी में कौन आया 2pz, तो सिग्मा 2pz, इसके बाद कौन आ जाएगा पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी क्या है सेम। यहां हमें ध्यान देना है कि अगर किसी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है तो हम लोग उसे बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। ये जितने भी ऑर्बिटल लिख रहे हैं सब में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, मतलब दो यहां जितने भी ऑर्बिटल है मैक्सिमम कितने दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन रखता है दो। अब इसके बाद क्या लिखेंगे देखिए पाई 2px स्टार और पाई 2py, तो यहां पर आ गया स्टार पाई 2px इक्वल टू स्टार पाई 2py, और लास्ट में कौन सा आ गया स्टार सिग्मा 2pz। जब ये कंडीशन आती है सेकेंड केस अप टू 14 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन की तरह बोरान देख लेते हैं कार्बन देख लेते हैं, ये वाले आ जाएंगे काउंट कर लीजिए इलेक्ट्रॉन, कैसे काउंट करते हैं एक का 7 है तो दो कितना हो जाएगा 14, ऐसे बोरान का 5 होता है तो दो है 10 हो गए, कार्बन का 6 होता है तो कितना हो जाएगा 12। यहां पर बस सिर्फ एक काम करना है आपको, ये जो सिग्मा 2pz है इसको आप बॉन्डिंग पाई और बॉन्डिंग जो एंटी बॉन्डिंग पाई है उनके बीच में कर दीजिए, तो एनर्जी लेवल डायग्राम वैसे ही बन जाएगा
बस आप क्या करेंगे, इस सिग्मा 2pz को पाई 2px और पाई 2py के ऊपर ले आएंगे। तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, डायग्राम वही है, बस यहां पे चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 2s सिग्मा 1s स्टार सिग्मा 1s सिग्मा 2s स्टार सिग्मा 2s। और अब देखिए, समझ जाइए, यहीं पे गलती होनी है। तो हम लोग पहले किसको लिखेंगे, अभी बताया, चेंज कर देंगे आप टू वाले केस में, सिग्मा 2pz को ऊपर लेके चले जाएंगे। तो अब लिखेंगे पाई 2px पाई 2py और इसके बाद आएगा सिग्मा 2pz। अब एंटी बॉन्डिंग वाले लिख दो, यहां कोई चेंज नहीं है। और लास्ट में आ जाएगा स्टार सिग्मा 2pz। देखिए कैसे ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसी को हम लोग समझ लेते हैं। एग्जांपल अगर हमने लिया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन तुरंत काउंट करिए कितने हो जाएंगे, एक का एट तो दो है, कितने हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है तो मोर देन के केस में जाना होगा, मतलब ये वाला काउंट कर लेते हैं, टू यहां पर फिल करेंगे, टू यहां पर, टू यहां, सब में आपको दो दो इलेक्ट्रॉन फिल करने, काउंट कर लीजिए ज्यादा ना हो जाए, 2, 4, 6, 10, 8, 12 एंड 14 हो गया। इसके बाद देखिए पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी सेम है और इलेक्ट्रॉन आपके पास बचे हैं केवल दो। तो क्या करोगे, एक इसे दोगे और एक इसे दोगे, क्योंकि हुंस रूल कहता है पेयरिंग तभी करेंगे जब दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, जैसे डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं। तो यहां पर आपको मिल गया दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब मिल गया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, टू। और जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ तो हम लोग क्या बोल देंगे, पैरामैग्नेटिक नेचर, जबकि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बता रही थी, डायमैग्नेटिक बिहेवियर।